तो देखा आपने किस तरह इस शख्स को ठोकर मारने के बाद गाड़ी फरार हो गई। जिस गाड़ी से शख्स को ठोकर लगी वो पुलिस की गाड़ी थी। घायल शख्स सड़क पर तड़पता रहा। इसी बीच पीड़ित लड़के का एक साथी उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां दुर्घटना घटी थी। उसी शख्स ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हम जा रहे थे इधर से अपने ससुराल, उधर से एक्सीडेंट हो गया। एक घंटा वहां तड़प रहे थे, कोई बचाया नहीं है। कहां एक्सीडेंट हुआ था? छावनी में। कहां से आ रहे थे तो छावनी पे तहसील के थोड़े दूर आगे वहीं पे गिरा था, रोड पे गिर कर तड़पड़ा रहा था, तो हम लोगों ने उठाकर उसको अस्पताल पहुंचाया। पुलिस वाली गाड़ी थी, लड़ने के बाद हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा। जरा सोचिए कि आखिर यूपी पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए। पुलिस की जिप्सी पहले शख्स को ठोकर मारती है और फिर कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से शख्स को तड़पता छोड़कर चली जाती है। मामला बेहद गंभीर है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुशीनगर से दिवाकर राय, एपीएन।